सरकार बदलते ही जनता का मूड बदल जाता है, प्रशासन का मूड बदल जाता है, और ये तमाम चीज़ें हमने और आपने अभी अभी देखी है बिहार के अंदर, जब सरकार नीतीश कुमार की थी और जब सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के दरमियान बनी है। अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए हैं कि नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई। सरकार का गठन अभी हुआ भी नहीं है, अभी शपथ ग्रहण सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का हुआ है, जो कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के हैसियत से उन्होंने शपथ ली है। शपथ लेते ही जैसे ही वो स्टेज से बाहर आते हैं, पत्रकार वहां पर पहुंच जाते हैं और नीतीश कुमार से सवाल किए करने के बजाय तेजस्वी यादव के पास आते हैं और कहते हैं कि आपने चुनाव के वक्त 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? तेजस्वी यादव कहते हैं कि उस पर विचार किया जाएगा, अभी हमें फ्लोर टेस्ट पास करना है, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी, बैठक होगी और उसमें मुख्यमंत्री उस पर विचार करेंगे, मैं उनसे बात करूंगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कुछ बातें कही, उन्होंने कहा कि जब मैंने वादा किया था तो ये कहा था कि जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा यानी मेरी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। अब इस क्लिप को काटा गया, तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश की गई सांसद के ज़रिए, मिनिस्टर के ज़रिए, और जो ऐरो गैरो लोग हैं जो कि ट्विटर पर या मुख्तलिफ जगहों पर मशहूर हैं ट्वीट करने के ज़रिए, ट्रोल करने के ज़रिए, उन लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि तेजस्वी यादव टाल रहे हैं अपने उस चुनावी वादे को। अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, इलेक्शन के वक्त दो तरह के वादे सामने में आए थे, जब तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि 10 लाख नौकरी दूंगा अगर मेरी सरकार बनती है तो उसकी मुखालफत में एनडीए ने कहा था कि 19 लाख या 12 लाख मैं नौकरी दूंगा। अब तो सवाल ये पैदा होता है कि नीतीश कुमार के सामने में वही पत्रकार आते और कहते कि आप एनडीए में थे, आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आप सरकार चला रहे थे, आपने नौकरी क्यों नहीं दी? उनका क्या जवाब होता वो आप समझ लेते, समझने की ज़रूरत होती तो। लेकिन आप नीतीश कुमार से सवाल नहीं कर रहे हैं, सवाल तेजस्वी यादव से कह रहे हैं कि आपने वादा किया था उसका क्या? क्या शपथ ग्रहण के फौरन बाद नीतीश कुमार या फिर तेजस्वी यादव या फिर कोई और जो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, क्या फौरन ये ऐलान कर देगा या फौरन ये काम हो जाएगा या उसके एक प्रोसेस होते हैं? तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी फ्लोर टेस्ट होने दीजिए, फिर उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन हमने मीडिया में देखा, हमने अभी इस तमाम वीडियो जो वायरल हो रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि इस छोटे से क्लिप्स को चलाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अपने वादे से मुकर रहे हैं, तेजस्वी यादव अपने वादे को पूरा करने से हट रहे हैं। पर सच्चाई ये नहीं है। जब शपथ ग्रहण हुआ था और जब वो पत्रकार ने सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि हमने वादा किया था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, लेकिन आज भी मैं उस पर अडिंग हूँ, आज भी उस पर खड़ा हूँ, मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से बात करूँगा और ये काम जल्द से जल्द होगा क्योंकि केंद्र सरकार ने नौकरी नहीं दी। अब ये पत्रकार महोदय जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल नीतीश कुमार से करते, एनडीए से करते, या वो जो वायरल कर रहे हैं वीडियो, वो तमाम लोग अपने गरीबा में झांकते कि भाई जो सरकार एनडीए के साथ थी अगर वो 19 लाख रोज़गार दे ही देती तो फिर ये 10 लाख रोज़गार का कहां मामला पेश आता, क्यों कर पेश आता, क्यों नहीं दिया गया? अब मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव की ये बात भी सही हो सकती है, अगर वो मुख्यमंत्री जी से बात करते हैं और 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किया है उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर भी नीतीश कुमार से सवाल तो होगा ही कि नीतीश जी जब आप एनडीए में थे, जब आप सरकार में थे, जब आप मुख्यमंत्री पहले भी थे और अब भी हैं, अब कैसे 10 लाख नौकरी दे रहे हैं, पहले क्यों नहीं दिया? जब उस वक्त आप एनडीए के साथ थे तो 19 लाख या 12 लाख की जो बात थी उसे क्यों नहीं पूरा किया, और अब जब तेजस्वी यादव तैयार हो रहे हैं आपसे बात कर रहे हैं तो अब कैसे कर रहे हैं? लेकिन अब देखना यह होगा कि एक मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या होता है, एक उप मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को हमें समझना होगा, हमें देखना होगा किसके अंदर कौन काम कर रहा है। अगर मुख्यमंत्री चाहेंगे
तभी ये मुमकिन है। अगर नहीं चाहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर आपस में तकरार होगी और फिर हमें और दूसरे को दूसरे ड्रामा देखने के लिए तैयार होना पड़ेगा। अब वो पत्रकार महोदय वो सवाल भी कर सकते थे महंगाई का, बेरोज़गारी का, लेकिन नहीं। अभी से उन्हीं पत्रकारों ने, उन्हीं पत्रकार के ग्रुप ने, समूह ने, जिन्हें हम और आप मीडिया कहते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के नाम से जानते हैं, उन्होंने ये सवाल शुरू कर दिया, एक पब्लिसिटी शुरू कर दी कि आज के डेट में अगर सर्वे होता है तो आज के डेट में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन लोकप्रिय नेता है। अभी कहाँ ये सवाल पैदा होने लगा, एक दिन में कैसे पूरी जनता बदल सकती है। 2024 और आज के दिन में बहुत फ़र्क है, पल भर में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जब हम और आप इलेक्शन देने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, तो बूथ पर जाकर फैसला करते हैं कि किसे वोट डालें। हम पूरी तरीके से इम्प्रेस होते हैं और दिल में सोचे रहते हैं हाँ इन्हें वोट देना है, लेकिन जैसे ही बूथ पर पहुंचते हैं फिर अपना इरादा बदल देते हैं और वोट जिसको देने का सोच कर जाते हैं उसे बदल के दूसरे को वोट दे देते हैं। तो अभी से आप फौरन सर्वे कर देना, आप नीतीश कुमार को 2024 के लिए प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना देना और फिर लोकप्रिय नेता की एक कैटेगरी तैयार कर देना, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कैसे पत्रकारिता है, इस पर आपको विचार करना चाहिए। अगर ये पत्रकारिता है तो फिर आप पत्रकार की जो परिभाषा है उसे बदलना पड़ेगा। आप सोचिए आज की डेट में इलेक्शन क्यों होगा, अगर होता है तो मकबूलियत क्यों होगी। कल तक राहुल गांधी किसी भी खेमे में नहीं थे, किसी भी प्रकार के दौर में नहीं थे, रेस में नहीं थे। आज जैसे नीतीश कुमार ने पाला बदला तो आपने नीतीश कुमार को, राहुल गांधी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, ममता जी को एक प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट में रख दिया और उसकी लोकप्रियता बताने लगे। तो फिर आपने ये बता दिया कि सबसे मकबूल लीडर अगर कोई है, कब सबसे जो मजबूत दावेदार हैं, तो वो हैं राहुल गांधी। अचानक उसमें इतनी कैबिलिटी कहाँ से आ गई। जो पप्पू थे, जो किसी भी काम पर अपनी हिकमत अमली नहीं दिखाते थे, अचानक उसमें इतनी किसी ताकत आ गई कि वो सीधा मुकाबला नरेंद्र मोदी से करें और नीतीश कुमार को बौना बनाने की कोशिश करें। कल कौन होगा नेता, ये तो फैसला बाद में होगा। अभी क्या जनता दल यूनाइटेड इस पोजीशन में है कि वो खुद को मुख्य प्रधानमंत्री बनने के लिए अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके, या भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई भी ऐसी पार्टी है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी भी अभी एनडीए के साथ है, एनडीए के जो घटक दल हैं उन्हें ये फैसला करना पड़ता है। ये अलग बात है कि एक मजबूत पार्टी की हैसियत से आप जो भी फैसला करते हैं उस पर तमाम लोग खामोश हो जाते हैं, क्योंकि आप फैसले से पहले किसी को बताते नहीं हैं, किसी से सलाह मशवरा नहीं करते हैं, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने आपका दामन छोड़ दिया है। मैं पत्रकार महोदय से कहना चाहूँगा कि आप जब बूढ़े होंगे, आप जब पत्रकार के हैसियत से अपने आप को गूगल के अंदर ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको बहुत मायूसी होगी और अफसोस होगा कि ये मैंने क्या किया। आप डरिए मत, आपकी नौकरी जा सकती है, लेकिन नौकरी जाने के फिक्र ना करें, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं। आप अपने काम को लेकर इसी YouTube की दुनिया में आ जाएंगे, जितनी सैलरी मिल रही है उससे बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी, यकीन नहीं करेंगे आप। आप अपने दोस्तों से पूछ लीजिए, बहुत कमाते हैं और सम्मान के साथ रहते हैं, अपने दिल की बात करते हैं, ज़मीर की बात करते हैं, सच की बात करते हैं, और अगर आपके अंदर हिम्मत है तो सच बोलिए। तेजस्वी से सवाल कर सकते हैं, ये सही है, बहुत अच्छी बात है, पत्रकार ने अपनी पत्रकारिता दिखाई, लेकिन सवाल नीतीश कुमार से उससे पहले वाले दौर के भी करनी चाहिए, सवाल प्रधानमंत्री से भी होनी चाहिए और सवाल तमाम मंत्रियों से होने चाहिए कि उन्होंने जो वादा किया था क्या वो पूरा हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी बात आपको समझ में आई होगी, लंबी गुफ्तगू थी लेकिन करनी पड़ती है।